हेलो वीवर्स, डेली हेल्थ टिप आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है 20 रोगों में फिटकरी के चमत्कारिक फायदे, जो कि आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, फिटकरी को लोग सालों से काम में लेते आते हैं। फिटकरी आमतौर पर सब घरों में प्रयोग होती हैं, इसीलिए फिटकरी का इस्तेमाल खासतौर से बारिश के मौसम में पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। फिटकरी लाल व सफ़ेद दो प्रकार की होती हैं। अधिकतर लोग सफ़ेद फिटकरी का ही प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अब चलिए जानते हैं फिटकरी के खास गुणों के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। पहला गुण है, जिन लोगों को शरीर से पसीना ज़्यादा आने की समस्या हो तो वो लोग नहाते समय पानी में फिटकरी को घोलकर नहाने से पसीना आना कम हो जाता है। फ्रेंड्स, फिटकरी के पानी से योनि को सुबह शाम नियमित धोइए। फ्रेंड्स, आप पंसारी से संगे जराहत और फिटकरी लेकर दोनों पीस लीजिए और इस आधा ग्राम चूर्ण की पानी ताज़े पानी के साथ या फिर गाय के दूध के साथ सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार लीजिए। कुछ ही दिनों के प्रयोग से अवश्य आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा है, यदि चोट या फिर खरोच लग कर घाव हो गया हो या फिर उससे खून बह रहा हो तो घाव को फिटकरी के पानी से धोइए तथा घाव पर फिटकरी का चूर्ण बनाकर बुरकने से खून बहना बंद हो जाता है। तीसरा, फिटकरी और काली मिर्च पीस कर दांतों की जड़ों में मलने से दांतों की पीड़ा में लाभ होता है। चौथा, शेविंग करने के बाद चेहरे पर फिटकरी लगाने से चेहरा मुलायम हो जाता है। पांचवा, आधा ग्राम पिसी हुई फिटकरी को शहद में मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में बहुत ही लाभ मिलता है। छठवा है, भुनी हुई फिटकरी 1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेने से खून की उल्टी बंद हो जाती है। सातवा है, दांत दर्द से बचने के लिए फिटकरी और काली मिर्च को पीसकर दांतों की जड़ों में मलने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। आठवा है, फुलाई हुई फिटकरी 1 तोला और मिक्सी 2 तोला दोनों को महीन पीस कर रख लीजिए। एक एक माशा नित्य सवेरे खाने से दमा के रोग में लाभ होता है। नौवा है, प्रतिदिन दोनों समय फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करने से दांतों के कीड़े तथा मुंह की बदबू दूर हो जाती हैं। दसवा है, 1.5 ग्राम फिटकरी पाउडर को सांग कर ऊपर से दूध पीने से चोट लगने से होने वाला दर्द दूर हो जाता है। ग्यारहवा है, टॉन्सिल की समस्या होने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और नमक डालकर गरारे करने से टॉन्सिल की समस्या में जल्दी ही आराम मिल जाता है। बारहवा है, दस्त और पेशिश की परेशानी से बचने के लिए थोड़ी फिटकरी को बारीक पीस कर भून लीजिए और अब इस भुनी हुई फिटकरी को गुलाब जल के साथ मिलाकर पीने से खूनी दस्त आना बंद हो जाता है। तेरवा है, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी का चूर्ण घोल लीजिए। अब इस घोल से प्रतिदिन सिर धोने से जुए मर जाती हैं। 10 ग्राम फिटकरी के चूर्ण में 5 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर मंजन बना लीजिए। अब इस मंजन के प्रतिदिन प्रयोग से दांतों के दर्द में आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। पंद्रहवा है, भुनी हुई फिटकरी 1 तोला लीजिए और भुना हुआ तूतिया 6 माशा, कच्छा 1 तोला, इन सब को कूट पीस कर मंजन बनाकर लगाने से दांतों की पीड़ा दूर होती है। ये दांतों को मजबूत तथा चमकदार बना देता है। 16वां फायदा है, कान में फुंसी हो या फिर अथवा मवाद आता हो तो 1 प्याले में थोड़ी सी फिटकरी पीसकर पानी डालकर घोलें।
और पिचकारी द्वारा कान धो लीजिए। 17वां है, शहद में फिटकरी मिलाकर आंखों में डालने से आंखों की लाली समाप्त हो जाती है। 18वां है, खुजली वाली जगह को फिटकरी वाले पानी से धोएं और बाद में उस जगह पर थोड़ा सा कड़वा तेल लगा लीजिए, उस पर थोड़ा सा कपूर भी डाल लीजिए, इससे आपको खुजली में आराम मिल जाएगा। 19वां है, 1 लीटर पानी में 20 ग्राम फिटकरी को घोल के दिन में 2 या फिर 3 बार सफ़ेद पानी की शिकायत होने पर गुप्तांग को धोने से एवं 1 ग्राम फिटकरी को 1 पके केले में चीर कर भर के साथ दिन खाने से आराम होता है। 20वां है, गर्भपात। फ्रेंड्स, पिसी हुई फिटकरी 1/4 चम्मच 1 कप कच्चे दूध में डालकर लस्सी बनाकर पिलाने से गर्भपात रुक जाता है। गर्भपात के समय दर्द रक्तस्राव हो रहा हो तो हर 2-2 घंटे से 1-1 खुराक ले लीजिए, आपको काफ़ी ही आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे फिटकरी के अनेक गुण के बारे में जो आपने जान लिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी किसी भी तरह की इनमें से आपको परेशानी हो रही हो तो आप इसका इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।